मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के जजुआर पूर्वी पंचायत में ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन के लिए ई रिक्शा एवं रिक्शा रैली को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया गया। इस मौके पर कटरा BDO अमरेंद्र पंडित ने सभी स्वच्छता कर्मियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। मुखिया गुलाम गौस ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी पदाधिकारियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। समाज सेवी राजा राय के द्वारा स्वच्छता पर्यवेक्षक राकेश कुमार को माला पहनाया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। BPRO प्रेम प्रकाश ने बताया कि स्वच्छता हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसे हम अपना कर देश को भी आगे ले जा सकते हैं। इस दौरान BC चंदन कुमार, स्वच्छता पर्यवेक्षक राकेश कुमार, प्रखंड प्रेरक श्याम कुमार चौधरी, संतोष कुमार, प्रकाश यादव, प्रवीण कुमार एवं पंचायत के प्राय गणमान्य लोग मौजूद थे। अगर आप शहर में बहुत दूर रहते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पर कहीं दिखने का जगह नहीं है। कचरा आस पास जो कि रेजिडेंशियल एरिया जाते होंगे तो यहाँ पे जो लिखे थे उसमें अपने फेंक देते, लेकिन वहाँ साफ नहीं है। वहाँ पे 100 रुपये शुल्क लिया जाता है इसके लिए। यहाँ तो फिर भी 30 रुपये सरकार इम्प्लीमेंट करेगी, वहाँ 100 रुपये लिया जाता है। बुला बुला के लोग देते हैं कि हमारा कचरा ले जाए, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है फेंकने का। धीरे धीरे गाँव में भी आबादी बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगा जैसे भी आपको फिर जगह नहीं मिलेगा फेंकने का, तो उससे अच्छा है सरकार ने पहले से ही यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है कि हमारे गांव में भी लोग स्वच्छ रूप से रहें और इस चीज़ को लोग जाने कि इसका क्या होता है। तो आज इसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है और ठंडी का समय है तो हम लोग चाहेंगे कि अब इसकी शुरुआत की जाए।